God! Stop it! बहुत हो चुका चूहे बिल्ली का खेल। कैप्टन सोनिया खन्ना फ्रॉम आर्मी इंटेलिजेंस। तुम क्या हम लोगों को बेवकूफ समझती हो? तुम जैसे आर्मी वालों को हम अपनी जेब में रखकर घूमते हैं, और हमारा मकसद कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करके अपने पाकिस्तान में शामिल करना है, और इंशाल्लाह हम अपने मकसद में कामयाब जरूर होंगे। मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि आज के बाद कोई हिंदुस्तानी फौजी कश्मीर की सरहद की निगेबानी नहीं कर पाएगा। ह्यूमन बॉम्ब, अपने आप को ब्लास्ट कर दूंगा। हम सबको जाने दो मेजर। हंस कर लिया पाकिस्तान, लड़ कर लेंगे जन्नत कश्मीर जिस पर पाकिस्तान का हक है। अपने साथियों की मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे मेजर, सिर्फ तुम। मैं कहता हूँ रुक जाओ मेजर। आगे मत बढ़ना, मेरी बात सुनो। रुक जाओ मेजर, आगे मत बढ़ना। मुझे माफ कर दो मेजर साहब, मुझे माफ कर दो मेजर साहब, मेजर साहब मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हमारे कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करेगा? तुम्हारे मुल्क को तो बॉम्ब स्क्वाड बनाने पड़ते हैं, लेकिन हमारा हर फौजी अपनी हथेली पर तुम्हारी मौत लेकर घूमता है। कैप्टन अरशद खान। यस सर। अरेस्ट देम ऑल। जाट, जाट, जाट। दिव्या, अच्छा वो तो आ गई। विवेक हॉस्पिटल में है, उसे किसी ने मारने की कोशिश की। तू तू जाकर पता करना। अब तो तुम समझ चुके हो मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी हूँ। लेकिन ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? करण, मुझे धोखे से बुला के मेरी इज्जत लूटी गई। मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। नहीं दिव्या, नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना था। क्या मेरे प्यार पे तुम्हें भरोसा नहीं था? क्या मेरे प्यार की हद सिर्फ तुम्हारे जिस्म तक है? नहीं दिव्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मुझे सिर्फ उन हराम खोरों का पता बता दे, मैं सबको जान से मार दूंगा। उनमें से छह को तो मुक्ति दे दी है मैंने, अब सिर्फ एक बचा है और वो है तुम्हारा भाई विवेक। कैसी बातें कर रही हो दिव्या, वो तो तुम्हारे साथ मजाक भी नहीं कर सकता। मजाक करता तो मैं उसे माफ कर देती, लेकिन उसने मेरे साथ बहुत गंदा खिलवाड़ किया है। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो अच्छी तरह से जानता है कि तुम उसकी होने वाली भाभी हो, और बड़ी भाभी माँ समान होती है। मेरा भाई सपने में भी ऐसा सोच नहीं सकता। सगा भाई नहीं कर सकता, मगर सौतेला जरूर कर सकता है, और उसे मैं खत्म कर दूंगी। दिव्या,
तुम्हें यह जान के खुशी होगी कि तुम्हारा छोटा भाई जिंदा है। थैंक यू। और तुझे ये जान के दुख होगा कि बहुत जल्द मैं उसे अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। तू मेरे भाई को मारेगा? मेरे भाई को मारेगा तू? साले मैं तुझे जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा मैं तुझे। इंस्पेक्टर पे हाथ उठाते हो? ये इंस्पेक्टर नहीं है, ये बहरूपिया है। उस दिन इसने मेरा रूप लेकर मेरे भाई को मारा और आज, अरे बकवास कर रहा है ये, और आज कह रहा है कि बंद करो। अरे आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझे? वो बहरूपिया है, वो जाकर मेरे भाई को मार डालेगा। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। चर्बी है ना, बहुत चर्बी है। जी करता है कि सारी की सारी तेरे सर में घुसेड़ दूं। कुछ करने से पहले सच्चाई नहीं जानना चाहोगे? सच, मैं नहीं जानता था कि ये करण आपका छोटा भाई है। उससे तो गलती हुई, लेकिन जो आपने किया उसे मैं क्या कहूं, गलती या फिर ताकत की नुमाइश? क्या बकवास कर रहा है तू? बाहर चुन साहब, जिस बाबा के नाम की दुहाई देते थे वही सूरज लोगों के आंसुओं में डूब गया। एक की गलती और सजा इतने सारों को, जला दिया सारे घर, फूंक दी बस्ती। क्यों मुझ पर इल्जाम लगा रहा है? मरना चाहता है क्या? अगर आपको लग रहा है मैं बक रहा हूं तो अपने आदमियों से पूछो। अनीस, शेट्टी, ये जो कह रहे हैं सच है क्या? हाँ हाँ भाई, करण का खून देख के अपना खून खोल उठा, अपने से बर्दाश्त नहीं हुआ। कल दो टके के बस्ती वालों के सामने इतना गिड़ गिड़ाया फिर भी आपका मान नहीं रखा, बस गुस्सा है अपने को जला दिया। दो टके की हरकत तुम लोगों ने की है, क्यों कमजोर कर रहे हो मुझे? हाँ क्यों कमजोर कर रहे हो मुझे? इसे मैं इन लोगों की बेवकूफी समझूं या इनके प्यार का जज्बा? काम इन्होंने किया है लेकिन उंगलियां मेरी तरफ उठेंगी। भाई से आप मेरे हवाले कर दीजिए, हिम्मत तो देखिए साले की, इतना कुछ होने के बाद भी आपकी गाड़ी तोड़ने आया था। हड्डियां तोड़ दूंगा साले की। मैंने जो किया आपने सूद समेत वापस कर दिया, आपके एक शौक की कीमत हमारी कई छतों की कीमत है। सोचा था हिसाब बराबर कर दूंगा। हिसाब, कीमत, सूद, बस ऐसी छोटी बातें कर सकते हो तुम? मेरे भाई के खून का एक एक कतरा, एक एक आंसू, एक एक चीख, क्या उन सब की कोई कीमत नहीं है? मैं जानता हूं कि तेरा भाई जख्मी हुआ है, उसके दर्द का एहसास है मुझे। काश काश मैं तेरी जगह होता, आता मारता तोड़ता फिरता और हाथ फैला के खड़ा हो जाता। अपने आप को मेरे हवाले करके मुझे भीख दे रहा है? इन्हीं हाथों से मारा था ना मेरे भाई को, जी चाहता तो उखाड़ दूं इसे। लेकिन बख्शा, अरे भीख तो तेरे दामन में उन बस्ती वालों की है जिनका दुख दर्द आंसू
तेरी जिंदगी से ज्यादा अहमियत रखते हैं मेरे लिए। रही बात बाबा की, सूरज कभी नहीं डूबेगा, सूरज नगर फिर से चमकेगा। तुझे तो हिसाब करना आता ही कहां है, ये जिएगा। लेकिन इसे भी करण के जख्मों का एहसास होना चाहिए। नहीं सज्जू, नहीं बोलना था।